ना ट्रोज़र है, कटिंग के लिए आया हुआ था सूट है, खादी का यह सूट है, 3 पीस सूट था। ट्रोज़र जो बनाएंगे वो है, वो नॉर्मल ट्रोज़र है, 36 उसकी लेंथ है, ठीक है, और 6.5 इसकी ओपनिंग है। ओपनिंग हम बोलते हैं पैंट को, थाईस की जो है वो 14.5 है, ठीक है। आसन जो है पैंट की वो 13.5 है, बैक 16.5 है। प्लास्टिक जो हमने इसके अंदर डालना है वो डालना है 10 इंच छोड़ के 17 इंच। सो अब स्टार्ट करते हैं ट्रोज़र की कटिंग। ये 2 इंच का मार्जिन है। अब यहाँ से हम इसको ट्रोज़र जो है 12.5 का निशान, हर ट्रोज़र पे 12.5 का निशान है, हर ट्रोज़र पे, जो स्मॉल से स्टार्ट होता है मीडियम के दरमियान, लार्ज का 13 इंच भी आते हैं। यहाँ से 36.5 का निशान, यहाँ से 12.5, फिर यहाँ से 12.5 का निशान, ये 13.5 हो गया हमारी थाई का निशान। थाई जो 13.5 होती है फ्रेंड की, ठीक है, और 13.5 का निशान यहाँ पे लगाना है, जैसे कोई ऊपर से लगाया इसका हाफ कर लेना है 13 का। उसके बाद इसकी जो ओपनिंग है 6.5 है, तो 3.25 इधर से और 6.5 का निशान इधर से लगाएंगे। ये हमारा निशान हो गया, ओके। अब हम स्केल से निशान लगाते हैं, आप दिखाते हैं, ये निशान ऊपर इलास्टिक के, ये थाई के, अब नीचे 3। अब जो निशान आपने देखा होगा यूट्यूब पे, इस तरह निशान लगाते रहते हैं, सेंटर का निशान लगाते हैं, इस तरह कर लिया, वो कर लिया, ये खेलने वाली चीज़ें नहीं होती, करने चाहिए। आराम से समझाएं जिसको आसानी से आप समझ सकें। ये सिलाई का निशान है थाई का, ओके। इस तरह फिर आप स्केल को बाहर रख, आप एक स्केल लें, जो काम करना जानते हैं वो स्केल लें, जिनको स्केल नहीं है वो ऐसे स्केल लें। इसको बोलते हैं साइड शेप स्केल बोलते हैं इसको। इस ट्रोज़र के जो भी ट्रोज़र बनाना है, चाहे वो हेल्थी से स्मार्ट है, जैसा भी टू साइज है, यहाँ से चीज़ इक्वल रखनी है। इक्वल होगा तो आपका ट्रोज़र स्ट्रेट बैठेगा। अक्सर लोग कहते हैं हमारी जो सिलाई है वो आसन से ऊपर की तरफ खींच रही होती है, जो इस तरह का इशू होता है, वो यही इशू होता है कि लोग साइड से कटिंग करते हैं। ट्रोज़र की साइड से कटिंग नहीं करनी, आपने ये ट्रोज़र की कटिंग हमेशा थाई के सेंटर से करनी है। सो ये हमारी फ्रंट साइड है, इस पर आप लिख लें फ्रंट साइड, ताकि आपको भूले ना। उसके बाद आप इसके अंदर नीचे डालेंगे 3 इंच की 3 इंच की लूजिंग डाल देंगे, जो हमें हेमिंग के लिए अंदर को टर्न करना है, ओके। ये निशान बाहर की तरफ होता है। आप ये देखें कि अभी अब हमको आपको ना थोड़ी देर में समझाते हैं, आप चलते हैं कटिंग की तरफ। हम बाद में वीडियो लगाना भूल जाते हैं, क्यों काम में मसरूफ होते हैं हम।